पहली बात तो बीमार पड़ना ही क्यों है। सबसे पहले हम बीमार पड़ने की सोचे ही ना, क्यों ना हम ऐसी शिक्षा प्रणाली, ऐसा लाइफस्टाइल पहले ही अपना लें कि हम बीमार ना पड़े और अपना डॉक्टर खुद बन जाएं। निन्यानवे प्रतिशत बीमारियां वक्त रहते ही अगर संभाल ली जाएं तो अपने घर पर रह के ही ठीक की जा सकती हैं, आयुर्वेद या नेचुरोपैथ के छोटे मोटे उपायों से। देखिए आयुर्वेद में सब कुछ है, इलाज नहीं है, नहीं इलाज है, लेकिन 1954 एक मैजिक रेमेडी एक्ट 1940 में जो बना था, अंग्रेजों ने बनाया था आयुर्वेद को झूठा साबित करने के लिए, वो आज भी इस देश में लागू है, जिसकी वजह से हम बोल नहीं सकते कि कैंसर का हम क्या करेंगे। तो कैंसर हो, किडनी फेल हो, लीवर खराब हो, कुछ भी हो, आयुर्वेद में जड़ पर काम करके विजय प्राप्त की जा सकती है। हमारे साथ हैं शुद्धि आयुर्वेदा के प्रमुख आचार्य मनीषी, बात करते हैं जिस तरह से सर आयुर्वेद चिकित्सा के माध्यम से जो हमारी पुरानी पद्धति है और रोगों को जड़ से समाप्त करने की जो हम इसमें आयुर्वेद में जो बताया गया है जो पद्धति है, आज जिस तरह से कोरोना काल चला है और उसमें आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद का महत्व बढ़ा है पूरे विश्व में, एक तरह से एलोपैथी को आप ये कहा जाए बाईपास किया है आयुर्वेद ने, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे कि वे आयुर्वेद पर ज़्यादा जाएं और अब और कोई भी बीमारी है तो उसका निवारण आयुर्वेद में उनको मिले। देखिए बात आयुर्वेद की नहीं है, बात है पहली बात तो बीमार पड़ना ही क्यों है। सबसे पहले हम बीमार पड़ने की सोचे ही ना, क्यों ना हम ऐसी शिक्षा प्रणाली, ऐसा लाइफस्टाइल पहले ही अपना लें कि हम बीमार ना पड़ें और अपना डॉक्टर खुद बन जाएं। 99% बीमारियां वक्त रहते ही अगर संभाल ली जाएं तो अपने घर पर रह के ही ठीक की जा सकती हैं, आयुर्वेद या नेचुरोपैथ के छोटे मोटे उपायों से। और आज वक्त ना अलग अलग करने का नहीं है, आज वक्त जोड़ने का है। ऐसी जगह जहाँ आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सारी पैथी यानी कि पूरा आयुष, नेचुरोपैथी, एलोपैथी यानी कि सारी सातों पैथियाँ अगर एक जगह हो, तो वो काम हमने किया है चंडीगढ़ आयुर्वेदिया शुद्धि आयुर्वेदा पंचकर्मा हॉस्पिटल, जो कि चंडीगढ़ डेराबस्सी में है। भारत का अपनी तरह का पहला इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है, जहाँ एक साथ सारे डॉक्टर एक ही छत के नीचे काम करते हैं सिर्फ पेशेंट की मदद करने के लिए। देखिए आयुर्वेद में सब कुछ है, इलाज नहीं है, नहीं इलाज है, लेकिन 1954 एक मैजिक रेमेडी एक्ट 1940 में जो बना था, अंग्रेजों ने बनाया था आयुर्वेद को झूठा साबित करने के लिए, वो आज भी इस देश में लागू है, जिसकी वजह से हम बोल नहीं सकते कि कैंसर का हम क्या करेंगे। तो कैंसर हो, किडनी फेल हो, लीवर खराब हो, कुछ भी हो, आयुर्वेद में जड़ पर काम करके विजय प्राप्त की जा सकती है। हमारे पास सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी किडनी फेल हो गई थी, डायलिसिस पे चले गए थे, आज हमने पिछले 4 महीनों में चंडीगढ़ वाले हॉस्पिटल में कम से कम 70 ऐसे किडनी के पेशेंट को डायलिसिस से मुक्ति दिलवाने में मदद की है। अब किसी के डायलिसिस तो बंद हो चुके हैं और किसी के डायलिसिस कम हो चुके हैं। ऐसे ही लीवर फेल है, लीवर फेल में सिर्फ ट्रांसप्लांट एक उपाय बताया जाता है, लेकिन हमारे शुद्धि आयुर्वेदा पंचकर्मा हॉस्पिटल जिसको हम हिम्स बोलते हैं डेराबस्सी के अंदर, उसमें हम पेशेंट को, लीवर फेल वाले को जिसको डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बताया था, 50 लाख का खर्चा बताया था, 15 से 20 दिन के उपाय के बाद ही उसको उल्टी आनी, खून की बंद हो गई और 5 महीने हो गए, पेशेंट बिल्कुल ठीक और हेल्दी जीवन जी रहा है। ऐसे ही स्टेज फोर कैंसर जिसमें डॉक्टर ने बोला इलाज है, सिर्फ कीमो रेडियो ही इलाज है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं पहले की भी बाद की भी कि पेशेंट अब हेल्दी जीवन जी रहा है, सारे सिम्टम चले गए हैं और रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई है। यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच जो कि भारत में हम चंडीगढ़ डेराबस्सी हिम्स हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज में कर रहे हैं। तो अगर आपका कोई जानने वाला किसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो संपर्क करो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर, उसको सही खाना पीना, सही लाइफस्टाइल बताकर उसकी बीमारी में दूर करने में मदद करेंगे और अपना डॉक्टर खुद बनाएंगे और आपको ऐसी शिक्षा बताएंगे कि बीमार ही ना पड़ा जाए। धन्यवाद सर, नमस्कार।